कि आज जो नरेंद्र मोदी ने जो कहा एक टीवी चैनल में कि हर साल वो नीचे खुद वो ममता बनर्जी जी उनके लिए वो कुर्ता पसंद करके वो पंजाबी हर साल जो बेचती है, और बांग्लादेश के शेख हसीना जब उनको मिठाई बेचती थी उसके फौरन बाद ममता बनर्जी भी उनको मिठाई बेच रही है। यही है पूरा का पूरा एक ही सिक्के के दो पहलू, दोनों दिखावे के लिए वो लड़ाई, यानी कलकत्ता और बंगाल में कुश्ती और दिल्ली में दोस्ती, यही है उनका खेल। और इससे लोगों को गुमराह करने की जो कोशिश है उससे लोगों को बचना है, और ये दोनों को हराने की ज़रूरत है, भारत को और बंगाल को बचाने के लिए। ये मिठाई और ये भेजना कोई गुड जेस्चर नहीं है, ये तो हमारे कल्चर में है। कल्चर में है तो अभी तक ये कल्चर की बात मोदी साहब को क्यों बतानी पड़ी? कल्चर तो छुपके नहीं होता ना, मोदी पॉलिटिकल नहीं, कल्चर तो छुपके नहीं होता। हम जब आपको शुभेच्छा देते हैं तो खुले रूप में देते हैं, आप छुप छुप के क्यों भेज रहे हो मिठाई प्रधानमंत्री को? हमारा इस बार प्रयास यही रहा कि पूरी बंगाल की लोगों को हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा को हराना और तृणमूल को हराना अनिवार्य है। जो गैर भाजपा है, गैर तृणमूल है, इन सभी ताकतों को हमारी अपील थी कि सबको इकट्ठा होकर आज इस काम को पूरा करना। इसलिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वाम मोर्चे ने अपनी तरफ से एक तरफा हमने कहा, जहां पर भी अब चुने हुए सांसद हैं जो गैर भाजपा गैर तृणमूल हैं, उन सीटों के ऊपर एक दूसरे के बीच में हमें कंटेस्ट नहीं चाहते। तो हमने कहा इसे 6 सीट हैं, इन 6 सीटों पे हम नहीं चाहते कि एक दूसरे के खिलाफ कंटेस्ट हो। अब जिन लोगों ने नहीं माना, वो नहीं माना, उसका जवाब वो ही दे सकते हैं, लेकिन हमारी अपील है जनता के साथ, जनता के साथ हमारी अपील है कि हम जो है चाहते हैं कि सब इकट्ठा होते हैं इनको हराने के लिए। जो नहीं आए तो वो नहीं आए, उनसे जवाब मांगिए। और यही बात हुई थी 1977 में, याद होगा आपको, 77 में यही बात हुई थी। हम चाह रहे थे कि इमरजेंसी को हराने और जनतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए जितने इमरजेंसी में लोग लड़े हैं सब मिलकर चुनाव लड़े। जब उस समय जनता पार्टी ने माना नहीं, उनको चाहिए था और ज़्यादा सीट, तो उससे चक्कर में वो वाम मोर्चे को छोड़कर अलग से लड़े, और जनता ने क्या किया, 2/3 बहुमत वाम मोर्चे को दिया। और इस बार भी वही होगा, जनता देख रही है कौन है सक्रिय जो भाजपा और तृणमूल को हराना चाहता है। कितना सीट आएगा बंगाल से, कितना सीट आएगा? अब सब जो भी सीट लड़ रहे हैं वो हम जीतना चाहते हैं। हम जो है एक मैदान में है, जंग में है। अब ये नहीं कहूंगा कि जहाँ पे हारूंगा मैं, जंग में हमें जीतना है, सब जीतेंगे। ये छोड़िए जी, ममता बनर्जी कह रहा है कि ममता बनर्जी कह रहा है बार आते कभी फेडरल फ्रंट, कभी फोर्थ फ्रंट, कभी एक और फ्रंट, कभी थर्ड फ्रंट, ये सब बातें चुनाव से पहले आते। लेकिन देश की राजनीतिक इतिहास देख लो, हर बार चुनाव के बाद ही वो मोर्चा बनता है जो सरकार बनाता है। 1977 में भी मोरारजी देसाई बने प्रधानमंत्री जनता पार्टी की तरफ से, वो जनता पार्टी का गठन हुआ चुनाव के बाद, पहले नहीं। 96 में देवगढ़ा बने यूनाइटेड फ्रंट के, यूनाइटेड फ्रंट बना चुनाव के बाद। 98 में वाजपेयी बने प्रधानमंत्री, वो एनडीए बना चुनाव के बाद। 2004 में मनमोहन सिंह बने, वो यूपीए बना चुनाव के बाद। 2019 में भी चुनाव के बाद बनेगा। पहले जितने भी नारे लोग दे दे उसका कोई मतलब नहीं, उसके बाद बनेगा ये मोर्चा और उसका एक वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष सरकार आएगा। अगर अगर कांग्रेस को ऐसा सीट मिल गया कि वो भी सरकार बनाने में चले गए, तो क्या 2004 पे जो आप लोग करते थे स्टैंडिंग, 2004 का भी हो सकता है, 1996 का भी हो सकता है, जो भी होगा चुनाव के परिणाम आने दो ना। सब न्यूज़ आज ही थोड़ी होगा, उस समय भी न्यूज़ होगा तब तक आपको।